सोलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आपके पास भी एक्सिस का बैंक अकाउंट है और आप उस बैंक अकाउंट का डेबिट कार्ड से किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे, तो फ्रेंड्स मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि इंडिया के अंदर जो भी बैंक है उन सभी बैंक के अंदर एक ई कॉमर्स फैसिलिटी होती है। जब तक आप उस जिस भी अकाउंट का आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आप जब तक उस बैंक के ई कॉमर्स सर्विस को एक्टिवेट नहीं कीजिएगा, तब तक आप उस बैंक के डेबिट कार्ड से कहीं भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, मैं इस टॉपिक पर ऑलरेडी 2-3 वीडियो कवर किया हूँ और उस वीडियो पर अच्छा खासा आप लोगों का रिस्पॉन्स मिला है। तो उस पर काफ़ी लोगों का ये भी कमेंट आ रहा था कि हम आप जैसी आप बताए हो ई कॉमर्स एक्टिवेट करने का, हम वो सारा प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन एंड में लास्ट स्टेप पर यूनिक रेफरेंस नंबर मांगा जा रहा है। काफ़ी पर्सन मतलब ये सवाल पूछ रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं कि यूनिक रेफरेंस नंबर कहाँ से मिलेगा और हम यहाँ पे कैसे इंटर करें, यूनिक रेफरेंस नंबर क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में जो आपको मेथड बताऊंगा उस मेथड को आप यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पे कोई भी आपसे यूनिक रेफरेंस नंबर नहीं एंटर करने को बोला जाएगा। अब विदाउट यूनिक रेफरेंस नंबर के आप इस सारा प्रोसेस कर पाओगे, लेकिन अगर आपको अगेन ये सारा प्रोसेस करने के बाद भी आपसे यूनिक रेफरेंस नंबर मांगा जा रहा, तो आपका जो भी वेलकम किट मिलता है अकाउंट ओपन करने के दौरान, उस वेलकम किट में ही आपका यूनिक रेफरेंस नंबर होता है। आप उस यूनिक रेफरेंस नंबर को वहाँ से देख के आप एंटर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ओल्ड अकाउंट हो चुका है, आपका बहुत पहले का अकाउंट है, आपके पास कोई भी वेलकम किट नहीं है, आपका जो भी है यूज करके आप इधर उधर फेंक दिए, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझ लोगे तो आपको यूनिक रेफरेंस नंबर एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पर इस तरीके का इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा लाता रहता हूं। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं प्रोसेस की, तो इसके लिए चलते हैं अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले अपने डिवाइस में किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन करना है। आपको एक्सिस मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करना है, आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो हम यहाँ ब्राउज़र को ओपन किए हैं, यहाँ पे न्यू पेज को क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू टैब पे क्लिक करके गूगल का सर्च पर ऑप्शन आ चुका है, इस पर टाइप करेंगे एक्सिस बैंक नेट बैंकिंग। आपको ज़्यादा कुछ नहीं टाइप करना, सिर्फ इतना लिखना है एक्सिस बैंक नेट बैंकिंग। सर्च करेंगे, देखिए यहाँ पे सजेशन में दे रहा, क्लिक करेंगे आपके सारे यहाँ पे वेबसाइट शो हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको जो सजेस्ट करूँगा, जो रिकमेंड करूँगा, आप उसी पर टाइप करेंगे सेकेंड वाले वेबसाइट के ऊपर। यहाँ आपको लॉगिन करने का कुछ ऑप्शंस आएंगे, एमपिन के द्वारा भी लॉगिन कर सकते हैं, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं, और यहाँ मिलेगा लॉगिन यूज़र आईडी एंड पासवर्ड से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आईडी और पासवर्ड से भी लॉगिन करूँगा, अपना इंटरनेट बैंकिंग का जो भी आईडी और पासवर्ड है, जिसको हम कस्टमर आईडी बोलते हैं, उसी आईडी और पासवर्ड को हम यहाँ पर एंटर करेंगे, लॉगिन पर टाइप करेंगे। जैसे ही फ्रेंड्स आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपका जो अकाउंट है लॉगिन होने का प्रोसेस चालू हो जाएगा। हम देख रहे हैं लॉगिन हो रहा है या कोई एरर आ रहा। तो फ्रेंड्स, हम फाइनली लॉगिन कर चुके हैं, मेरा डैशबोर्ड ओपन होकर आ चुका है अपने बैंक का। देखिए यहाँ पे जो भी अकाउंट में बैलेंस होगा शो हो जाएगा, बट आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है, और आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। देखिए यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है सर्विस, सेकेंड ऑप्शन है अकाउंट, और नीचे नहीं जाना है आपको, सिंपल सर्विस वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। इस पर टाइप करेंगे, अगला इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा, अभी लोडिंग ले रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पेज यहाँ आपके सामने शो हो जाएगा इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको अकाउंट पे टाइप नहीं करना है, यहाँ क्रेडिट कार्ड नीचे मिलेगा ऑप्शन टैक्स सर्विस, और उसके जस्ट मिलेगा ऑप्शन डेबिट कार्ड, तो इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। सॉरी फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन को क्लिक कर दिया, बट आपको इसी पर क्लिक करना है, आपको नीचे मिलेगा ऑप्शन, मैं उसी पर डायरेक्ट क्लिक कर दिया, बाय मिस्टेक से हो गया, बट कुछ नहीं। हम नीचे स्क्रॉल करते हैं फिर से, देखिए यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहीं पे मिलेगा ऑप्शन, देखिए फिर से एक बार क्लिक करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, देखिए यहाँ पे डेबिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा, तो आपको एरो पे टाइप करना है, आपको उस पर डायरेक्ट क्लिक नहीं करना, आपको एरो पे टाइप करना है। अब आपको मिलेगा ऑप्शन मैनेज यूजर्स, आप इस पर टाइप करेंगे इस दोबारा से, इस ऑप्शन पर जैसे फ्रेंड्स आप टाइप करेंगे, आपको चार स्टेप को कंप्लीट करना होगा ई कॉमर्स को एक्टिवेट करने के लिए। इस पर सिलेक्ट करेंगे, आपका जो भी डेबिट कार्ड होगा यहाँ पे शो हो जाएगा, मेरा 2 डेबिट कार्ड है, लेकिन आपको जिस डेबिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करने में प्रॉब्लम आ रही है, जिसका ई कॉमर्स आपको एक्टिवेट करना है, उसको सिलेक्ट करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए यहाँ पर शो हो रहा है ई कॉमर्स। मैं ऑलरेडी इसको ऑन किया हूँ, लेकिन आपको बताऊँगा आप किस तरीके से इसको एक्टिवेट करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट सबका ऑफ ही रहता है फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम, और आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ मिलेगा ऑप्शन एडिट का, आप एडिट पे टाइप करेंगे। जिसे फ्रेंड्स आप एडिट वाले ऑप्शन पे टाइप करेंगे, यहाँ नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए ऑन ऑफ दो बटन यहाँ पे शो हो रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहेगा, बट आपको यहाँ पे ऑन पे सिलेक्ट करना है। नीचे मिलेगा आपका लिमिट का, आप ऑनलाइन पर्पज़ के लिए इसको कितना ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं इस डेबिट कार्ड से, इसका जो मैक्सिमम जो लिमिट है 1 लाख है, आप अपने हिसाब से सेट कर पाएंगे। फिलहाल मैं अब यहाँ पे 50 के सेट किया हूँ, मतलब 50,000 सेट करके रखा हूँ। सारा कुछ करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है,
और नीचे आ जाना है, यहाँ से अपना ऑनलाइन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को भी आप यहाँ से एक्टिवेट कर पाओगे। सारा कुछ करने के बाद आपको लास्ट स्टेप मिलेगा प्रोसीड ऐप, इस पर टाइप करेंगे। प्रोसीड वाले ऑप्शन पर टाइप करने के बाद आपसे एक ओटीपी लिया जाएगा, आपके रजिस्टर नंबर पर एक ओटीपी भी जाएगा। देखिए आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे सिंपल सा फ्रेंड्स कन्फर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद ओटीपी का प्रोसेस आएगा, मैं पहले ही बोल दिया, बट ओटीपी अब आपको देना होगा। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ मिलेगा ऑप्शन ओटीपी का, तो फिलहाल मेरा ओटीपी आ चुका है। मैं ओटीपी को यहाँ से कॉपी करके इजीली नीचे ऑप्शन पर पेस्ट कर लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप नीचे वाले ऑप्शन में पेस्ट करेंगे, यहाँ पर मिल जाएगा ऑप्शन इंटर करने को। इजीली इस पर पेस्ट करके आपको सिंपल सबमिट पे टाइप करना है। सबमिट पे जैसे फ्रेंड्स आप टाइप करेंगे, आपका जो ये प्रोसेस है वो सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा और आपके रजिस्टर नंबर पर एक मैसेज ही मिल जाएगा बैंक की तरफ से। देखिए मेरा मैसेज आ चुका है, मैं मैसेज को भी मैं ओपन करके आपको लाइव दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ फ्रेंड्स, यू हैव सक्सेसफुली चेंजेड द ATM शॉपिंग लिमिट। मतलब आपका जो भी डेबिट कार्ड से है वो आप शॉपिंग कर सकते हैं किसी भी ऑनलाइन मतलब प्लेटफॉर्म पे, अमेजन, फ्लिपकार्ट, लाइक महिंद्रा और भी ऐसे कितने सारे एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे। मतलब सिंपली बोलूँ तो आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कहीं भी कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी ई कॉमर्स एक्टिवेट कर लेने के बाद।